नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से राज्य में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जब तक पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हट नहीं जाते, अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी और सरकार की मंशा है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई अवैध कब्जा प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। हटाने की समीक्षा हुई है और तेजी से अभियान चल रहा है। बहुत सारी जगह पर स्वतही लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं और जहां पर नहीं हट रहा है तो हमने पहले ही कहा है कि वो प्रशासन हटाएगा और वो कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगी। ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा कि कोई भी किसी भी धर्म की आड़ में या किसी आड़ में जो है सरकारी भूमि। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने बुलाई थी। इस बैठक में जमीनों से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही राज्य में अवैध अतिक्रमण के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इससे अवैध अतिक्रमण करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि अब तक की कार्रवाई में करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी एक महीना ही बीता है और इसे एक महीने में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें मालूम था कि इस बार वो सभी रिकॉर्ड टूटेंगे जो पहले स्थापित हुए थे। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा और उनके दर्शन सुगम हो सके। मैं तो पहले ही कह रहा था कि चूंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। एक माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे, इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों में पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही, ऐसे में दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारी कर ली है। इसमें कोशिश यही है कि राज्य की विशेषता वाली चीज़ें आगे रखी जाएंगी और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाएगा। रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं।
उत्तराखंड में बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यही है कि समितियों का गठन करने के साथ साथ बीजेपी ने लोकसभा स्तर पर ही अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी का दावा है कि चुनाव में 51% मत हासिल करने का जो लक्ष्य संगठन ने चुना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं, बेरोजगारों की जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को पटरी से उतरी हुई है, उस पर आम जनता विपक्ष का साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करती है और लक्ष्य प्राप्ति ही हमारा ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य प्राप्त करना ही हमारा अंतिम ध्येय रहता है। और हम इसलिए भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा हर बूथ पर कार्यकर्ता है, बूथ पर हमारी बूथ कमेटियाँ हैं, पन्ना प्रमुख समितियाँ हैं, हमारे शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता हैं और बड़े वरिष्ठ नेताओं को हम जिम्मेदारी देते हैं जो संपर्क करने की, प्रवास करने की और विभिन्न सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की, इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा है। ऐसा ना, भाजपा तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है, हम बस पार्टी प्रोपेगेंडा नहीं करते, काम कर दिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना, भाजपा तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है, हम बस पार्टी प्रोपेगेंडा नहीं करते, काम कर दिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना, भाजपा तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है, हम बस पार्टी प्रोपेगेंडा नहीं करते, काम कर दिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना, भाजपा तो दरवाजे दरवाजे तक पहुँचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम दर्ज किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभाओं के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम दर्ज किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभाओं के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन। उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता सरकार पर चुनाव से बचने के आरोप लगाते हुए चुनाव में विलंब करने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा और अधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में नगर निकाय चुनाव पहले से प्रस्तावित है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही सही सरकार पर चुनाव से बचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार चुनाव कराने की फिलहाल पक्ष में नहीं है। तो वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी हमेशा ऐसे ही चुनावी मोड में रहती है। इनकी सर्वे के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर कैंटोनमेंट के चुनाव पीछे किए गए। अब निकाय चुनाव आने से ठीक पहले कुछ आदेश जिले अधिकारियों के लेवल से हुए हैं, जिसमें कैंट के सीईओ से ये पूछा गया है कि आपकी कौन सी सिविल एरियाज कैंट से बाहर करके हमने नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में मिलानी है और उनकी जनसंख्या क्या है। तो निश्चित इस चीज़ से कुछ संकेत इस तरीके के मिल रहे हैं कि चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं। हमारी सरकार हर समय चुनाव है, जो चुनाव की तिथियाँ जो है वो चुनाव आयोग तय करता है। इसमें एक आयोग बना हुआ है हमारा चुनाव आयोग, और वही तिथि तय करता है। जब भी चुनाव आयोग तिथि घोषित करेगा हम तुरंत चुनाव करा देंगे। कोई भी चुनाव हो हम हर तरीके से तैयार है। केवल विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना उनका। तो अगर उनके समय में कहें तो किस प्रकार से उस समय चुनाव, जब चुनाव आयोग के बातों की भी अवहेलना की जाती थी, वो उस समय का अपने समय का देखें। लेकिन हमारी सरकार हर समय चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम तुरंत उसमें चुनाव कराएंगे। उधर कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर उपचुनाव में स्वर्गीय चंद्रराम दास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी विनोद सोयाल का कहना है कि स्वर्गीय चंद्रराम दास ने बागेश्वर के विकास में लंबी श्रृंखला तैयार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ा कि उसके उन्होंने चंद्रराम दास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, मां और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है, और जो जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है,
और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिया, वहां माँ बेटू के झगड़े करा देंगे। बेटा कहता मैं लड़ूंगा माँ, माँ से पार्टी करिए आप लड़िए। तो अब देखते हैं आने वाला बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई और जितने लंबे समय तक वो जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, तो आज कांग्रेस के पास जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जो है तो अनर्गल प्रलाप करने पर लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें सीपीआई और सीपीआईएम समेत तमाम बाकी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महिलाओं के उत्पीड़न का मामला ये केवल किसी पार्टी का संबंधित नहीं है या अंकिता भंडारी केस किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है, ये सामाजिक विषय है और इन विषयों को उठाने की हम लोगों की जिम्मेदारी, ये भी एक पहलू है और निश्चित ही चुनाव भी एक पहलू है। पहलू इसलिए है क्योंकि अगर व्यवस्थाएँ बदलनी है तो जिस सरकार में कुकृत्य हो रहे हैं, जिस सरकार में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, उस सरकार को बदलने का एक ही उपाय लोकतंत्र में है, वो चुनाव है। तो निश्चित ही इसका केंद्र में चुनाव भी होगा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से हर संभव सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार यात्रा की काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यही वजह है कि भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के पहुंचने के बावजूद उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि यात्रा में जो जिले शामिल है वहां पर मॉक ड्रिल किया जाए और तैयारियों को जांचा और परखा जाए। आपको बता दें कि जो कमियां रहीं उनको दूर किया गया। के दृष्टिगत हमने काफ़ी इस बार तैयारी करी थी। एक तो हमने एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम जोशीमठ में स्थापित किया है जो कि यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो यात्री आ रहे हैं मार्ग संपर्क मार्ग में कोई व्यवधान ना हो इसके दृष्टिगत वो कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा हमने इस बार यात्रा से पहले पहली बार हुआ है यात्रा के दृष्टिगत यात्रा से पूर्व मॉक ड्रिल हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व हैं सबका किया था और उसमें जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसका जायजा लिया गया, उस कमियों को भी दूर किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी राज्य सरकार की इसमें जो भी विभाग लगे हुए हैं उनके उनके तरफ से यात्रा में किसी प्रकार के व्यवधान आने नहीं दिया गया है। मेरा पूरी उम्मीद है मुझे कि आगे भी महीनों में जो यात्रा चलेगी वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। उत्तराखंड की पांचों सीटों पर जहां बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के जिताऊ प्रत्याशियों की भी तलाश कर रही है जिससे समय रहते चुनाव में मजबूत दावेदार उतारे जा सकें। कांग्रेस के चारधला से विधायक हरीश धामी ने नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मामला क्या है क्या नहीं है भाई, हम वहां पर उपस्थित नहीं थे तो इन मामलों में नहीं पड़ना। मैंने आपको कहा ना मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं जिसको जो कहना होगा सामने कह देता हूँ, लेकिन अब उस लड़ाई का कारण क्या था वो मैं जब पता नहीं है तो उसमें मेरा बोलना व्यर्थ। उधर जोशीमठ की जोशीमठ में दरारों को लेकर आंदोलन कर रहे पीड़ित परिवारों के बीच पर्यावरणविद और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर सोमवार को जोशीमठ पहुंची और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन उन्होंने दिया। इस दौरान पाटकर ने उत्तराखंड के लिए सरकार के विकास मॉडल को विनाश मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में जितनी भी जल विद्युत परियोजना एक का काम कर रही हैं वो देवभूमि के हित में नहीं है और वो केदारनाथ के हादसे के बाद हमारे साथी विमल भाई के साथ और हमारी एक टीम लेकर राहत के लिए और उस समय हम गुरुद्वारा में रुके थे और फिर गोविंद घाट गए थे और फिर वहाँ 700 खेचरों के साथ जो परिवार अटके पड़े थे उनको छुड़वाने के लिए हम मिलिट्री वालों के पीछे पड़ गए और उनको टेम्पररी ब्रिज बनाकर उनको छुड़वाना ही पड़ा। फिर मैं ज़्यादा दिन और नहीं रुक सकती थी तो विमल भाई ने यहाँ धरना चालू किया था, सती जी और सभी साथ में थे। आज जोशीमठ पहले ही आना चाहिए था
पर मैं देर से आप पहुंची हूँ, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पर आज देश भर विनाश विस्थापन इतना आगे जा रहा है कि आदिवासी हो, पहाड़ी लोग हो, समुन्द्र किनारे के मछुआरे हो कि नदी घाटी के लोग हों, सभी को ये भुगतना पड़ रहा है। पाटकर ने जो एनजीओ के माध्यम से 13.5 करोड़ रुपया जो एनजीओ के माध्यम से लिया, बाहर देशों से ये पैसा लेते हैं और इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जोशी मठ का ये सुंदर वातावरण, ज्योति मठ की ये शांत वादियाँ, तमाम लोगों का व्यवसाय आज अंधेरे में आ चुका है। इस प्रकार से जब ये लोग आंदोलन करेंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनका कोई जोशी मठ से लेना देना नहीं है, और जोशी मठ के विकास के बारे में जो सरकार कर रही है उसमें हर समय ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसलिए हम आज मेधा पाटकर का जोशी मठ से जो लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 सूत्री मांगों पर सहमति व्यक्त की। हमने सरकार को समय दिया कि उन मांगों पर वो कार्यवाही करे, जमीनी कार्यवाही करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार जो है प्रक्रिया को और जटिल बना रही है। अफवाह फैलाई जा रही है कि हरिद्वार का व्यापारी पोर्ट टैक्सी का विरोध कर रहा है। मैं निवेदन के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हरिद्वार का कोई भी व्यापारी पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहा है, हम केवल रूट का विरोध कर रहे हैं और ये रूट का विरोध हमारा जारी रहेगा। आज हमारा शहर व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया है, आगे हम इसको लेकर माननीय विधायक जी से भी मिलेंगे, माननीय सांसद जी से भी मिलेंगे, माननीय मेयर साहब से भी मिलेंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हरिद्वार के हैं उनको भी अपनी बात रखेंगे, और अगर ये बात नहीं मानी गई तो सबको साथ लेकर एक आंदोलन करने की रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल सड़कों पर उतर आए हैं और तैयारी पूर्ण रूप से है। अगर योजना का स्वरूप नहीं बदला तो हरिद्वार का व्यापारी साम वाम दंड भेद लगा के इसका विरोध करेगा। विरोध करने के तरीके बहुत हैं और ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देता हूँ, उनकी योजना का विरोध नहीं है, योजना के स्वरूप का विरोध है। और अगर सरकारों के नुमाइंदों ने अगर ये हमारी बात नहीं मानी तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट जज भी है। हम कानून का सहारा लेंगे और कानून का सहारा लेने से व्यापारियों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। आज शहर व्यापार मंडल के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन और ये सूक्ष्म रूप से किया गया केवल चेताने के लिए। अगर सरकार नहीं चेती, योजना का स्वरूप नहीं बदला तो ये समझ ले सरकार भी कि किसी भी कीमत पर पोर्ट टैक्सी को हरिद्वार में आने नहीं दिया जाएगा। कहते हैं पोर्ट टैक्सी आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, मगर जो ये रूट है, अगर पोर्ट टैक्सी यहाँ से आती है, आप अभी देख लीजिए हरिद्वार में ना इस समय कोई बहुत बड़ी संख्या में ना यात्री है ना कुछ है, आप यहाँ का हालात देख लीजिए, इस समय हालात बस से बदतर है। अगर पोर्ट टैक्सी आती है तो अभी ये कह रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले डीएम साहब ने कहा था कि हम कोई भी किसी प्रकार का कोई किसी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, मगर हाल फिलहाल जो बाज़ार में नक्शा चल रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बाज़ार काफ़ी हद तक टूटेगा। यदि बाजार हमारे व्यापारियों का किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो बाजार पूर्णतः बंद करके व्यापारी विरोध को मजबूर रहेंगे। शहर पुलिस और एसडीएम रुड़की को शिकायत की है। आरोप है कि पार्षद पति जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। जो हमारी संपत्ति है उसके ऊपर लेके हुई है, इसमें जो पार्षद पति है कुलदीप तोमर, उन्होंने हमें धमकी दी है, मार पिटाई की, और उसकी इमेज जो है मेरे पास क्लिप भी है। ये जो है हम भी पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और ये भाजपा जो है नेता हैं, पार्षद पति हैं, और ये भाजपा की आड़ में जो है हमें परेशान कर रहे हैं, और अब उन्होंने हमें जो है धमकी दी है कि तुम्हारी कुर्सी पर लात मारेंगे, तुम्हारी दुकान पर ताला मार देंगे, तुम्हें दुकान खोलने नहीं देंगे और तुम्हें मारे पीटेंगे और तुम्हें परेशान था। अस्पताल में भर्ती था, दोनों भाई गए तो उसके लिए हरकत करी है, उस पर जमीन का बहनावा करवा दिया दूसरे के नाम, रुपये गिरवा दिए अपनी मम्मी के नाम खाते में, उसके खाते में गिरवा कर फिर अपनी मम्मी के खाते में पलटवा दिए, तो मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चों के लिए मार काट की धमकी दे रहे हैं, मेरी जमीन भी गई, आध बीघा जमीन, मैंने केस कर रखा उस पर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने साल 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का
परिणाम 25 मई को घोषित कर दिया जाएगा। परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 6 मार्च से 16 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थीं, जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं अब की बार हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त हुई हैं और हमने परीक्षा फल निर्माण का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। 25 मई को परीक्षा फल की घोषणा प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने से गर्मी प्रचंड पड़ रही है। इस गर्मी से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 23 मई देर शाम से 26 मई तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और चारधाम इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है क्योंकि दो दिन पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और चारधाम इलाकों में बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में हवा कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। तापमान भी जो सामान्य से अधिकतम तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक कहीं कहीं पर ऊपर है, बाकी जगह में वो सामान्य के आसपास ही हैं, तो बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इस समय जो है जो सामान्य के आसपास तापमान है या जो गर्मी इस समय देखने को होनी चाहिए तो वो दिख रही है। लेकिन कल से आप देखेंगे तो जो मौसम में बदलाव होने वाला, कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है, और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।